हेलो एवरीवन मैं हूँ कविता और यह विद्वानिका आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट के बच्चे को एग्जाम में फाइनल uh, एग्जाम में क्या क्या आता है उसका एक पैटर्न बनाया है हमने छोटा सा वो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है नंबर इनटू स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट स्मॉलेस्ट टू बिग क्या होता है छोटा छोटा फिर सबसे बड़ा फिर सब सबसे बड़ा अब हमने नंबर फर्स्ट दिया है 74 फोर एटी नाइन एंड फोर्टी फाइव टू डिजिट्स नंबर दिए हुए हैं हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस की वैल्यू को टेंस की वैल्यू को अंडरलाइन करेंगे हाँ ये सेवन है ये एट है ये फोर है तो सबसे छोटी कौन सी होती Four. है तो हम फोर्टी फाइव को लिख दें नेक्स्ट सेवन फिर सेवेंटी फोर हाँ, फिर एटी नाइन हाँ, ये सिंपल मेथड है और अगर सेम वैल्यू आ जाए तो हम टेंस की वंस की वैल्यू को अलॉट करेंगे नेक्स्ट आता है री राइट द नंबर इन टू स्मॉलेस्ट बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट बिगेस्ट क्या होता है बड़ा, बड़ा फिर छोटा फिर, फिर, फिर बड़ा 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 छोटा 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 नेक्स्ट आती है स्कीप काउंटिंग स्किप काउंटिंग बच्चे को पैटर्न देखना होता है या पैटर्न रिकोगनाइजेशन भी कह सकते हैं या इसको स्किप काउंटिंग अब टू है फोर कितने नंबर बीच में छोड़ा वन नंबर फोर टू फाइव फाइव छोड़ा सिक्स ये बच्चे को पैटर्न देखना होगा और फिर बच्चा सॉर्ट आउट करेगा फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी उसके बाद क्या आएगा ट्वेंटी फाइव ऑर्ट ट्वेंटी फाइव ऑर्ट नेक्स्ट आता है मिक्सड टेबल और कॉल्ड इज रैंडम टेबल्स और इसको टाइम्स भी बोलते हैं सिक्स टाइम नाइन्स

बच्चे को पहले वन टू ट्वेंटी तक आना चाहिए फिर थर्टी के फोर्टी के फिफ्टी के सिक्सटी के सेवेंटी के एट्टी के नाइनटी के और हंड्रेड के स्पेलिंग याद करवा दीजिए और फिर ये आएगा फिफ्टी फाइव कोई भी नंबर हो सकता है फिफ्टी फाइव की स्पेलिंग एफ आई एस टी आई नेक्स्ट राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म हम क्या लिख लेंगे एट और सिक्स के ऊपर टी और ओ एट टेन्स एट्टी सिक्स प्लस वन एट्टी प्लस नेक्स्ट इज मिसिंग नंबर सेवेंटी सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन उसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 80, 81. हाँ, ये हमने पैटर्न देखना है कि आ वो ऊपर जा रहा है आफ्टर आफ्टर जा रहा है कि बिफोर जा रहा है राइट बिफोर एट्टी सिक्स एट्टी सिक्स एट्टी सिक्स से पहले क्या आता है एट्टी एट्टी से पहले क्या आता है सेवेंटी फाइव हाँ ऐसे नंबर नेम ऑफ द डेज और नेम ऑफ द मंथ में भी आफ्टर बिफोर पूछा जा सकता है वट कम्स आफ्टर संडे मंडे वट कम्स आफ्टर फ्राइडे सैटरडे वट कम्स बिफोर संडे सैटरडे वट कम्स आफ्टर जनवरी डिसम्बर आफ्टर जनवरी वट कम्स आफ्टर ऑगस्ट सेप्टेम्बर न ऐसे बिटवीन आ सकता है वट कम्स बिटवीन फ्राइडे एंड संटरडे वट कम्स बिटवीन जनवरी एंड मार्च ऐसे मंथ ऑफ द डे भी आ सकते हैं डेज ऑफ द वीक भी आ सकते हैं एडिशन वर्टिकल एडिशन भी आ सकती है और हॉरिजोंटल वर्टिकल बच्चे को समझा दीजिए कि सिंपल और टी और ओ ऊपर लिख लीजिए पहले टी ओ टी ओ पहले ओ की वैल्यूज को फोर और टू को प्लस किया सिक्स आ गया सिक्स और सेवन को तो प्लस किया थर्टीन आ गया नेक्स्ट है स्टोरी सम स्टोरी सम ने बच्चे को समझा दीजिए जो स्टोरिसम इन ऑल टूगेदर सम में क्या आता है प्लस प्लस और लेफ्ट और लीस्ट में माइनस माइनस ये वर्ड जब लास्ट में हो तो हम प्लस करेंगे अदरवाइज माइनस अब है देयर आर सेवन सेवनटीन वाइट लिलीज एंड इलेवन ट्वेंटी वन ब्लू लिलीज हाउ मेनी इन ऑल थर्टी एट थर्टी एट ये किया था एडिशन का सर हाँ थर्टी एट लिलीज नेक्स्ट देर आर फोर्टी थ्री स्टूडेंट्स इन अ बस ट्वेल्व स्टूडेंट्स गेट डाउन नीचे आ गए हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट अब लेफ्ट वर्ड यूज किया है तो क्या करेंगे हम क्या यूज करेंगे हम माइनस माइनस तो कितने आ गए फोर्टी थ्री में से ट्वेल्व स्टूडेंट हाँ थर्टी वन स्टूडेंट नाउ नंबर ब्लैंक दी हुई है सेवन और फोर सेवेंटी फोर की वैल्यू पुट आउट करनी है कि टी की वैल्यू क्या है सेवन और ओ for, uh, one, की वैल्यू क्या है फोर नेक्स्ट द राइट द नेम्स ऑफ द वीक जनवरी संडे मंडे ट्यूजडे संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे राइट द मंथ्स ऑफ द ईयर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर नेक्स्ट आता है फिलिंग द ब्लैंक्स अ क्लॉक टेलस टाइम अ लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड मिनट चैप्टर दो आते हैं मनी भी आता है और टाइम भी इसमें से कोई भी फिलिंग द ब्लैक अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस बच्चे को पूछ सकते हैं मैम और द शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड आर वी राइट फिफ्टी पैसा एज फिफ्टी पैसा पी हंड्रेड पैसा इज इक्वल टू रुपीज क्वाइन हैज हाउ मेनी साइड टू साइड कौन कौन सी वट इज द नेम ऑफ दैट हेड हेड और और टेल बाउट है पिक्चर बनी होती है उसको कौन सा कहते हैं और दूसरी साइड को टेल फर्स्ट डे ऑफ द वीक फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट डे संडे डैश कम बिफोर ट्यूजडे ट्यूजडे बिफोर ट्यूजडे ट्यूजडे से पहले क्या आता है मंडे। देर आर डैश मंथ्स इन एयर एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं वीक ऑफ द डे नहीं, मंथ ऑफ अ ट्वेल्व डेज डेज इन अ वीक सेवेंथ डेज इन दर एक फाइव शॉर्ट हैंड में ऑन शॉर्ट हैंड जो सिक्स पे है और लॉन्ग हैंड जो ट्वेल्थ पे है तो कितने बज गए सिक्स और नेक्स्ट आता है नेम ऑफ द मंथ ऑफ द इयर इन विच वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे अगस्त रिपब्लिक डे जनवरी चिल्ड्रन डे नवम्बर गांधी जयंती अक्टूबर टीचर्स डेम्बर अर्थ डे अप्रैल फादर्स डे मई मदर्स डे जून द शॉर्ट हैंड ऑन द क्लॉक एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकता है शॉर्ट हैंड ऑफ द क्लॉक इज कॉल्ड आर आर हैंड मिनट हैंड सेकंड हैंड अ क्लॉक टेलस टाइम स्पीड डिस्टेंस संडे इज संडेज डैश इज द लास्ट डे ऑफ द वीक ट्यूसडे संडे फ्राइडे संडे नेक्स्ट क्लॉक दिया हो सकता है उस उसपे टाइम लिखना ये दो तो पैटर्न के साथ लिखते हैं हम एक थ्री के बाद कॉलन और टू डॉट्स और थ्री ओ क्लॉक करके नेक्स्ट इज काउंट हाउ मच मनी रूपीज टेन प्लस रूपीज ट्वेंटी प्लस रुपीज फाइव एक टेन का क्वाइन है ट्वेंटी रूपीज का नोट है ओके नेक्स्ट ट्वेंटी प्लस फिफ्टी प्लस टू सेवेंटी टू नेक्स्ट वी फाइंड द पिक्चर ऑफ योर नोट नोट के ऊपर किसमें है हाँ, सोनिया गांधी और महात्मा गांधी वी लुक एट द पिक्चर ये पिक्चर में ये बॉल है फिफ्टीन रूपीज की आएगी इसको फिफ्टीन रूपीज को बनाने के लिए हमें कौन कौन से नोट चाहिए फाइव का टेन फाइव और टेन का।, का।, का किंडर जो है लेने के लिए हमें फोर्टी फाइव रूपीज का आता है उनको उनके लिए हमें कौन कौन सा नोट चाहिए ट्वेंटी का फाइव है का है हमारे पास ट्वेंटी का और फाइव का नेक्स्ट इज असर्टिव रीजनिंग में आते हैं अनु के पास टेन रूपीज है सेम के पास फोर्टी रूपीज है मनु के पास ट्वेंटी रूपीज है अब बॉक्स को फिल कर रहे हैं अनु के पास कितने रूपीज है 10. मनु के पास सैम के पास नेक्स्ट हाउ टोटल मनी ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितनी है तीनों के पास मनी हाँ इनको प्लस करके ठीक है हु हैज मोर मनी किसके पास ज्यादा मनी है सैम के पास, पास. लोएस्ट वैल्यू ऑफ नोट सबसे छोटा नोट कौन सा है फाइव पॉइंट ऑफ फाइव ट्वेंटी फाइव हाँ क्यों फाइव टाइम्स फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी नेक्स्ट पुट द साइन अब ट्वेंटी रुपीज बड़े होते हैं कि फाइव ट्वेंटी टेन बड़ा होता है कि ट्वेंटी ट्वेंटी नेक्स्ट ट्वेंटी फिफ्टी बड़ा होता है कि फाइव फिफ्टी नेक्स्ट इज सब्ट्रेक्शन सम्स एम हॉरिजोंटली भी हो सकता है वर्टिकली भी हो सकती है नेक्स्ट इज अब तीन बच्चे हैं उनके पास अलग अलग मनी है उसको टोटल